जय हिंद देखिए एस चार सौ मिसाइल भारत में उसकी डिलीवरी चालू हो गई है इसके बारे में समझते हैं ये किस तरह टारगेट को हिट करता है और इसके एक रेजिमेंट में कितनी बैटरी होती है कितने लॉन्चर होते हैं कितने ट्यूब और टोटल कितनी मिसाइलें होंगी और किस किस एरिया को ये कवर करेगा रूस ने अपनी सेना में 2007 में एस चार मिसाइल को शामिल किया था ये हवा से आने वाली भी किसी भी खतरे को मार के गिरा सकता है 400 किलोमीटर दूर ही गिरा सकता है चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो क्रूज मिसाइल हो हेलीकॉप्टर जहाज ड्रोन किसी भी तरह के एरियल टारगेट को ये खत्म कर सकता है दो में व्लादिमिर पुतिन का भारत में जब दौरा हुआ तो उस दौरान भारत ने चालीस हजार करोड़ की लागत से एस चार सौ एयर डिफेंस मिसाइलों को खरीदा था इसमें टोटल पांच रेजिमेंट को शामिल किया गया पांच रेजिमेंट के लिए यह सौदा किया गया था एक रेजिमेंट जो है वो, मतलब एक की रेंज था। आगे पीछे दोनों तो हम दो रेजिमेंट पाकिस्तान की ओर खड़ा करेंगे इस मिसाइल में ये अकेला मिसाइल नहीं इसमें कई तरह के रडार कई तरह के मिसाइल लगे होते हैं कुछ दूर मार्क करने वाले होते हैं कुछ ऐसे मिसाइल होते हैं जो बहुत नीचे तक उड़ के मारते हैं कुछ बहुत ज्यादा हाइट में जाते हैं इसमें सबसे बड़ा चीज जो होता है वो रडार ये होता है सर्विलांस रडार ये रडार बहुत ही बड़ा होता है साइज में यह रडार 600 किलोमीटर दूर तक निगरानी रख सकता है लेकिन इसके मिसाइलें मारने की क्षमता 400 किलोमीटर है तो देख तो लेगा आपको छवे किलोमीटर पे और ये किसी भी तरह के स्टील जहाज को देख सकता है ये अभी जो इसका एडवांस वर्जन है जो भारत को मिल रहा है वो दुनिया का सबसे तगड़ा स्टील जहाज एफ थर्टी फाइव को भी पकड़ लेगा और एफ बाईस को तो कैसे भी देख लेगा यानी इसके पे छुपना नामुमकिन है 600 किलोमीटर से देख लेगा और जैसे 400 किलोमीटर के दायरा में आएंगे हमला कर देगा ये क्या करता है अस्सी टारगेट को एक साथ देखता है

यहां पे मिसाइल आ रही है यहां ड्रोन आ रहा है तो क्या करेगा सबसे पहले ये रडार पकड़ लेगा सबको और ये बताएगा फायर कंट्रोल रडार को और फायर कंट्रोल रडार सब पे नजर रख लेगा फायर कंट्रोल रडार नजर रख लिया अब ये क्या करेगा इनको छोड़ देगा दूसरे को टारगेट को छोड़ खींच देखेगा यहां पर और ये फायर कंट्रोल रडार मिसाइल को आदेश देगा कि तुम इसको मार दो ये वाली मिसाइल इसको मार दो ये वाला इसको मार दो मिसाइल को आदेश देगा ये अब मिसाइल को जो आदेश दिया गया वो मिसाइल जाके मारा कि नहीं मारा इसको देखने के लिए कमांड पोस्ट नाम का ये ट्रक होता है इस ट्रक के ऊपर रिसीवर रडार होते हैं ये देखते हैं सब कि मारा कि नहीं निशाना ठीक लगा कि नहीं लगा अगर नहीं लगा तो एक और मिसाइल मार देता है एस चार सो जब भी मारता है तो दो मिसाइल एक साथ मारता है एक तो से मिस होगा तो दूसरा वाला उसको हिट कर देता है इसके ट्रक के अंदर भले बाहर से आपको ये भद्दा दिख रहा होगा अंदर से पूरा सिस्टम है यही कंट्रोल करते हैं अगर मिस होगा तो दोबारा मारेंगे लोग उसको किसी को बचने नहीं देंगे अब यहाँ एक स्लाइड में आप पूरा

मतलब पंद्रह मेक की है पंद्रह मेक का मतलब होता है पांच किलोमीटर प्रति सेकंड एक सेकंड में पांच किलोमीटर जा सकता है और दुनिया का कोई ऐसा जहाज नहीं है जो एक सेकंड में दो किलोमीटर भी जा सके अभी मैक्सिमम तीन मेक की जहाजें आई हैं यानी एक सेकंड में एक किलोमीटर तो सबसे तेज जहाज भी है ना तो एक सेकंड में एक के किलोमीटर जाएगा और एक सेकंड में पांच किलोमीटर जाएगा तो बचना तो नामुमकिन है और रडार देख रहे हैं दो दो रडार रखा है एगो फायर कंट्रोल वाला रखा है एगो एक बड़का रखा है भागने ही नहीं देगा और ये कमांड पोस्ट में लोग देखेंगे कि टारगेट लगा कि नहीं लगा नहीं लगा तो फिर से मिसाइल मारेंगे इस तरह से इसे कंट्रोल किया जाता है अब यहाँ पे आप एक इस तरह समझिए ये है सिस्टम ये पांच मिनट में तैयार हो सकता है ये पूरा का पूरा क्योंकि ये ट्रक पे रहता है लगाइए इसको कोई बिजली उजली की जरूरत नहीं सारा चीज ट्रक जनरेटर सब रखे हैं सब यहां पर ये है मेन रडार ये यहां से सिग्नल छोड़ा आई पकड़ लिया इनको पकड़ लिया अब ये क्या करेगा कमांड भेजेगा इसको फायर कंट्रोल रडार को फायर कंट्रोल रडार मैसेज देगा मिसाइल को अब मिसाइल जाके इसको हिट कर देगी जैसे मिसाइल इसको हिट करेगी यहां पर है कंट्रोल कमांड पोस्ट देखेगा हिट हो गया कि नहीं वरना इसके रडार में दिखेगा चेक करेगा कि दोबारा तो नहीं दिख रहा है दोबारा दिख रहा है मतलब बच गया अगर बच गया तो दोबारा मिसाइल मारेगा मा, मा, ब्लास्ट हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है लेकिन पांच मिनट के अंदर अंदर ये रेडी हो सकता है फायर के लिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है पहाड़ पे ले जाइए बर्फ में ले जाइए गर्मी में ले जाइए ठंडी में कहींयों ले जाइए कोई दिक्कत नहीं होता ये हर मौसम में रेडी हो सकता है अब इसमें समझते हैं कितने लॉन्चर बैटरी ये सब चीजें होते हैं देखिए इस ट्रक को कहते हैं लॉन्चर जो ट्रक दिख रहा है लॉन्चर हर एक लॉन्चर चार मिसाइल ट्यूब को कैरी करता है ये जो ट्यूब की तरह दिख रहा है इसे कैनिस्टर बोलते हैं कैनिस्टर जो होता है ये कवर होता है मिसाइल का जिससे कि ले जाने में इसको जर्क में चोट ना लगे या बरसात में खराब ना हो बरसात में पानी घुसेगा हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो जाए या धूप हो जाएगा यह तो ये उसका कवर होता है तो ट्यूब इस ट्यूब कही या कैनिस्टर कही तो एक लॉन्चर में टोटल चार ट्यूब यानी चार कैनिस्टर होते हैं आप सिंपल भाषा में समझिए तो चार गो मिसाइल होता है एक लॉन्चर में यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चार गो लॉन्चर दिख रहा है एक दो तीन चार चार लॉन्चर दिख रहा है अब बात समझिए ध्यान से चार लॉन्चर मिलाकर जब कभी भी चार लॉन्चर मिला दिया जाता है एक दो तीन चार चार लॉन्चर मिला देते हैं तो उसे बैटरी कहते हैं यह टेक्निकल चीज होती है आर्टिलरी की ध्यान समझिएगा एक बैटरी में चार लॉन्चर हो गए सब संख्या तो ऐसे ही बढ़ गई अब आपसे हम पूछते हैं ध्यान से देखिए यहाँ चार लॉन्चर है तो ये भी एक बैटरी यहां भी चार लॉन्चर है तो यह भी एक बैटरी टोटल आपको कितनी बैटरी दिखाई दी अब दिख गई दो बैटरी दिख गई कितनी बैटरी दो बैटरी दो बैटरी को जब एक साथ मिला देते हैं तो उसी को एक रेजिमेंट कहते हैं या एक बटालियन कहते हैं तो एक बटालियन में टोटल दो बैटरी हर बैटरी में चार आपको लॉन्चर मिलते हैं चार लॉन्चर मिलता है हर एक लॉन्चर में आपको चार मिसाइलें होती हैं अब इसको आप कंफ्यूज हो गए होंगे इसको अच्छे से इतमान से समझिए यहाँ पे जो एक रेजिमेंट होता है एक रेजिमेंट में दो बैटरी होती है हर बैटरी में चार लॉन्चर होता है और हर लॉन्चर के अंदर चार मिसाइलें होती हैं एक रेजिमेंट दो बैटरी हर बैटरी में चार लॉन्चर और हर एक लॉन्चर में चार मिसाइलें होती हैं यानी ओवरऑल हमको मतलब है मिसाइलों से कि एक रेजिमेंट में कितनी मिसाइल होगी तो चलिए हम लोग मिसाइल निकालते हैं तो एक रेजिमेंट में दो बैटरी है एक रेजिमेंट में दो बैटरी और एक बैटरी में चार लॉन्चर एक बैटरी में चार लॉन्चर तो बताइए दो बैटरी में कितने लॉन्चर हो जाएंगे आठ लॉन्चर हो जाएंगे दो बैटरी में कितने लॉन्चर हो जाएंगे आठ लॉन्चर सिंपल सा तो मैथ है कोई बहुत बड़ा तो है नहीं आठ लॉन्चर और यहां आठ लॉन्चर मिली अब आपको पता है कि हर लॉन्चर में यानी हर ट्रक पर हर लॉन्चर में चार मिसाइलें हैं तो यहाँ पे टोटल कितने लॉन्चर हैं? आठ लॉन्चर हैं तो मिसाइल कितने होगा आठ चौक को बत्तीस मिसाइल होगी यानी एक रेजिमेंट है तो बत्तीस मिसाइलें फायर करने के लिए तैयार है एक रेजिमेंट में और भारत ऐसा ऐसा पांच गो रेजिमेंट खरीद रहा है तो 32 में पांच का गुड़ा करेंगे तो 160 गो मिसाइल रेडी टू फायर होंगी 160 और हर मिसाइल का रेंज 400 किलोमीटर तो पूरे एरिया को सेफ कर लेंगे सब यहां पर इसके अलावा भारत तो एक हजार एक्स्ट्रा मिसाइल खरीद रहा है अब आप कहेंगे एक्स्ट्रा क्यों तो आप बंदूक खरीदते हैं एगो और गोली खरीदते हैं ज्यादा तो भारत भी तो लॉन्चर खरीदा है कितना टोटल लॉन्चर आठ गो तो लॉन्चर तो है लॉन्चर के साथ एक सौ साठ ट्यूब है जब वो फायर कर देंगे तो उसके बाद क्या दिक्कत है वहां पे ट्यूब बदल देंगे जैसे देखिए यहाँ समझिए ये आपको पूरी एक लॉन्चर दो लॉन्चर तीन लॉन्चर चार लॉन्चर यानी एक बैटरी हो गया मान के चलिए ये फायर कर दिया तो खाली हो गया तो रूस थोड़े जाना होगा एक हजार हम लोग एक्स्ट्रा लाए हैं इसे जेसीबी भी लाएंगे फिर लाद देंगे उस पर फायर करेगा जैसे बंदूक खरीदते हैं इतना गोली खरीद लेते हैं बंदूक खत्म हो गया फिर गोली भर दीजिए तो एक्स्ट्रा गोली रखते हैं ना तो हम लोग एक्स्ट्रा एक हजार मिसाइल रखे हैं। सोचिए कितना तगड़ा सिस्टम हो जाएगा ये पूरा सिस्टम ये एस चार सौ में सिस्टम ए, किसी भी दूसरे देश से अब तक दुनिया में इससे तगड़ा कोई नहीं है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है ये वर्टिकल लॉन्च करता है यहां से मिसाइल निकलेगा अब ये स्वतंत्र है किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए इधर भी चला जाएगा इधर भी चला जाएगा सीधे भी चला जाएगा वही अगर अमेरिका का थर्ड की बात करेंगे या फिर पेट्रिएट मिसाइल की तो ये वर्टिकल है ये इस तरह तिरछा झुकी रहती है तो इधर ही मार सकती है उधर मारने के लिए उस साइड में ट्रक लगाना पड़ेगा तो एक तो सबसे वाला ड्रॉबैक इसका ये हो जाता है भारत को ये जो मिला है ये सबसे लेटेस्ट वर्जन मिला है एस चार लेटेस्ट वर्जन भारत को मिला है जबकि चाइना को भी रूस ने एस चार दिया है लेकिन एस चार चाइना के पास नहीं है पैसा लिया गया है एस चार का चाइना चूंकि एम का सदस्य नहीं है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलम का सदस्य भारत है चाइना नहीं है जो इसका सदस्य नहीं रहता है उसे आप 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें नहीं दे सकते हैं। तो रूस जो उसे एस 400 दिया है तो पैसा लिया है एस चार का अब मिसाइल मिसाइल दिया दिया है एस 300 ही दिया है। तो उसकी मिसाइलों की क्षमता 300 किलोमीटर है हम लोग की मिसाइलों की क्षमता 400 किलोमीटर क्योंकि हम लोग जो हैं है एम के हैं दूसरा उसका 2010 वाला मॉडल है हम लोग का 2021 वाला 20 वाला मॉडल है एकदम लेटेस्ट तो ऑटोमेटिक आप सोचिए ना 10 साल पुराना मोबाइल और भी के मोबाइल में कितना चेंजिंग आ जाएगा तो हम लोग एकदम लेटेस्ट है और रूस अपने लिए बनाया है एस पाँच सो तो एस पाँच सो को शामिल होते होते 2030 आ जाएगा तो उतना देर तक वेट तो कोई करेगा नहीं इसकी मारक क्षमता और खतरनाक हो जाएगी तो हम लोग अभी लेटे एकदम लेटेस्ट वर्जन पर चल रहे लोग अब समझते हैं ध्यान से आगे देखिए भारत ये एस चार सौ है ये लॉन्ग रेंज वाला है भारत की प्लानिंग क्या है कि हमें छोटे ड्रोन से बचने के लिए आयरन डोम टाइप का रॉकेट चाहिए ये सस्ते होते हैं धड़ाक से मार के गिरा देते हैं छोटे ड्रोन वगैरह के लिए और मीडियम दूरी के लिए हमारा आकाश है ही है और 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के लिए बराक आठ मिसाइल है और तीन से चार किलोमीटर के लिए एस चार है अतः अब हम लोग चार लेयर सिक्योरिटी में छोटे मोटे ड्रोन फिर 30 किलोमीटर के लिए आकाश 100 से 150 किलोमीटर के लिए बराक और 150 किलोमीटर से ज्यादा के लिए एस चार सौ मिसाइलें हम लोग पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं लेकिन अमेरिका का कहना है कि रूस से रूस चूंकि अमेरिका के मामले में हस्तक्षेप करता है इसलिए अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया कास्टा नियम के तहत कास्टा के तहत अमेरिका का कहना है कि कोई भी देश अगर रूस से एस चार सौ मिसाइल खरीदेगा तो उस पर ये लोग प्रतिबंध लगाएंगे तुर्की ने खरीदा उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए चाइना ने खरीदा उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए भारत पर अभी तक इन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है और ये प्रतिबंध बहुत नहीं लगा पाएंगे हमारे पास दो लॉजिक है पहला ये सब चोमू सब बकलोलवा पाकिस्तानियां ये आए दिन खुलियाम धमकी मंत्री है बैला ये बिना बैल बरस के लिए झाँक राय से यहाँ ये बैला क्या कहता है कि हम भारत पे परमाणु बम मार सकते हैं और इसका स्टेटमेंट इस सुनेंगे तो कहेगा कि मुसलमानों को बचा के परमाणु बम मारेंगे अरे यार तुम्हारे यहाँ लोग इतने बैल होंगे इंडिया में कोई इतना बैल नहीं है बताइए परमाणु बम को भी ये लोग बता रहे हैं कि ये ये मुसलमान है ये मुसलमान नहीं है <laughs> तो भारत के पास पूरी दुनिया को कहने के लिए है। अमेरिका को स्पेशली कहने के लिए कि भैया हमारे पास एस चार सौ की सख्त जरूरत है वरना ये सब लुंगी पहन के आएगा सब मार के के परमाणु बम चल जाएगा सब पर तो इन लोगों को से हम लोग पास प्लस पॉइंट है दूसरा अमेरिका के लिए भी दिक्कत क्या है अमेरिका चाइना को रोकना चाहता है और दक्षिणी चीन सागर में चाइना को रोकने वाला भारत को अगर छोड़ देंगे तो कोई नहीं बचता है क्योंकि रूस और चाइना तो भाई दोनों अमेरिका के खिलाफ रहते हैं तो भारत को हर हाल में अमेरिका को लेकर चलना पड़ेगा वरना चाइना जब ताइवान पर अटैक करने की बात करता है या दक्षिणी कोरिया पे या जापान पर या वियतनाम पर फिलीपीन के दोस्त हैं सब तो भारत अमेरिका डायरेक्ट तो कूदेगा नहीं तो यही है कि चाइना के दुश्मन को मजबूत किया जाए तो चाइना का सबसे तगड़ा दुश्मन भारत है जो इससे लड़ सकता है तो इसलिए भारत पर ये लोग प्रतिबंध नहीं लगाएंगे इसके ऊपर लगा दिए और वैसे भी भारत की अब जो विदेश नीति है उस तरह की नहीं रह गई अब भारत को छोड़कर आप कल्पना नहीं कर सकते हम लोग उन्नीस स... सत्तर और नब्बे का दशक चला गया जब भारत को कोई धमकी देकर चला जाता था अब हम लोग इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं कि अभी हमको इग्नोर करके आप नहीं रह सकते होप आप एस चार के बारे में टोटल समझ गए होंगे वो इस साल से आना चालू हो गया है उसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी भारतीय जो जो आर्मी है वो कर चुकी है ये टोटल पांच रेजिमेंट इसके आएंगे उसके बाद हम लोग पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे अमेर, पाकिस्तान या फिर चाइना का कोई भी जहाज़ इंडिया में नहीं घुस पाएगा जहाँ कहीं लूप होल होगा वो भारत को पता है कि ये हमारे रडार में नहीं आ रहा है वहाँ पायलट वहाँ पर जहाज़ लगा दिया जाएगा राफेल सुखोई मिराज मिग ट्वेंटी दुनिया भर के जहाज़ हैं सब तो हम लोग के मैटर पे पूरी तरह से अब लगभग आप कह सकते हैं कि सिक्योर हो गए हैं एक बात और है कि इस किताब को तैयार करने के चक्कर में इतने दिन से काफी लंबा गैप हो गया वीडियोस के लिए तो आप देखे होंगे देखिए इस किताब में मेहनत क्या क्या था ये तीस सालों का टोटल साइंस का क्वेश्चन है पंद्रह हजार से ज्यादा इसमें क्वेश्चन शामिल किया गया है और ये 1990 से 2021 तक जितने एग्जाम हुए उन सारे एग्जाम में जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इन्वायरमेंट से जितने क्वेश्चन पूछे गए पंद्रह हजार क्वेश्चन को रखा गया ये यूनिक बुक है इसको हम समझाते हैं क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक तरह की समस्या फेस किए थे जैसे इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है तो एक फिजिक्स का चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक है तो पहले क्या होता था किताबों में ना कि एक यूनिट एंड डाइमेंशन चैप्टर हो गया अब जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं वो सारा वहां दे देता था कि ये एसएससी में पूछा ये रेलवे में पूछा ये एनडीए में पूछा अब जो रेलवे की तैयारी कर रहा है वो क्यों देखने जाएगा कि एनडीए में क्या पूछा एक कॉमन होना चाहिए ना उसमें तो हम यहाँ पे चैप्टर वाइज भी सजा दिए हैं और एग्जाम वाइज भी सजा दिए हैं अब देखिये ये चैप्टर का नाम है मात्रक हो गया यहाँ पर अब इसमें एग्जाम में स्टेट लेवल में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था तो अभी आप पढ़िएगा तो इसमें केवल स्टेट लेवल का आगे लिखा भी है हरियाणा स्टेट लेवल में क्या था इसमें क्या था राजस्थान में बिहार में हर तरह का तो इस वाले हिस्सा में यूनिट एंड डाइमेंशन चैप्टर से केवल स्टेट लेवल का पूछेगा अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है यूनिट एंड डाइमेंशन है टी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से यूपीएससी सी सेट या आर एस इस सब टाइप में किस तरह के क्वेश्चन पूछता है पीसीएस लेवल में अभी उसी चैप्टर में यहाँ पे दे दिया है कि रेलवे में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है अभी ये एग्जाम ये चैप्टर अभी वही चल रहा है लेकिन बदल गया कि यहाँ रेलवे में ये पूछेगा विथ डेट और टाइमिंग के साथ भी है आप इसको मिला भी सकते हैं यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है एसएससी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो आपको पैरल ही पता भी चलेगा अभी चैप्टर एक ही है यहाँ पे इसमें एस एस में क्या पूछ दिया यहाँ पे फिर एनडीए एयरफोर्स में क्या पूछ रहा है तो ये एग्जाम चैप्टर वाइज भी है और अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कैटेगराइज किया गया ताकि लड़कों को दिक्कत नहीं होगा दूसरी एक और प्रॉब्लम हम लोग फेस करते थे जब पढ़ते थे तो आंसर या तो लास्ट में देता था काफी अस्कत लगता था और पास में देता था तो आदमी देख लेता था इसलिए इसमें आंसर को हम साइड में दिए हैं यहाँ पर इसका आंसर की कई लोगों को लग रहा है कि है ही नहीं है यहीं पे दिया है बगल में आप एक बार में चाहे तो ढकना चाहे तो ढक सकते हैं अगर नीचे देते थे तो एक प्रॉब्लम आता था लड़का ढकने के चक्कर में उसको देख लेता था फिर उसको अच्छे से रिविजन नहीं हो पाता था अभी यहाँ है कि इसका प्राइस के चक्कर में देखिए अभी कोयले की शॉर्टेज थी इसको लेकर कई सारी चीजें महंगी हो गई थी तो पेपर भी काफी महंगा हो गया था तो इस बार भी हम लोग पूरी कोशिश की है कम से कम रखने की पेज 616 पेज की किताब है पंद्रह हजार क्वेश्चन उन्नीस नब्बे से लेकर दो तक का यहाँ पंद्रह हजार क्वेश्चन तीस सालों के एक सौ में आपको मिल जाएगी अगर आप दूर दराज के नहीं है मतलब ठीक ठाक है आपको मतलब पटना में 180 में इजीली आपको अवेलेबल मिल मिल जाएगा ये किताबें आपका ज, हर जगह भेज दिया गया इस किताब को आप इनको जितना जल्दी ले लेंगे वरना शॉर्ट हो जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा आई होप आप सब समझ गए होंगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जय हिंद